हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे देखिए, बज चुका है 5 और हम रोज़ रोज़ 5 बजे जग जाते हैं। और जगने के बाद सबसे पहले जो है वो बनाते हैं दादाजी के लिए चाय, क्योंकि दादाजी भी हैं वो 4:30 बजे ही जग जाते हैं। और लाइटिंग बाथरूम जाएंगे, उसके बाद ब्रश करेंगे और सबसे पहले वो चाय, मतलब 5 बजे ही चाय पी लेते हैं। तो वही हम उनके लिए चाय बना रहे हैं और इधर गर्म पानी कर रहे हैं, चाय पीते हैं। और एक गिलास थोड़ा सा गुनगुना पानी रहता है तो पानी पीकर उसके बाद दादाजी चाय पीते हैं। और वहीं गर्म पानी कर रहे हैं, गर्म हो गया है और लेके अभी हम जा रहे हैं दादाजी को चाय देने के लिए। दादाजी चाय पी लिए, उसके बाद मतलब झाड़ू लगा रहे थे हम पहले, मतलब गैस वैस पोंछ दिए थे और जो किचन रहता है उसको, मतलब उसको झाड़ू लगा दिए थे और उसमें पोछा भी लगा दिए थे, क्योंकि उसमें मतलब सुबह सुबह जो रहता है तो पहले उसको गैस को पोछ कर उसी के बाद बनाया जाता है। तो उसी को हम गैस उस सब पोछ दिए थे और उस किचन में पोछा लगा दिया झाड़ू लगा के। और जो इधर का सारा रूम था तो इधर का जो था सब में झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाए, क्योंकि आपको पता है कि मतलब शाम को बना था मटन, तो इसीलिए सब मतलब धोना पड़ा था सब, तो वहीं लेट हो गया था थोड़ा। और इधर उसके बाद नीचे का सारा काम करके हम आ गए छत पे। और छत पे जो है गेहूँ था उसी को मतलब फुला रहे थे, धूप जो है बहुत कम उग रहा है तो एक मतलब तो और मतलब इससे ज़्यादा ठंडा पड़ने लगेगा, तो उसी के लिए धो रहे थे। धूप उप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे गेहूँ धोया रहेगा तो इसको मतलब ऐसे धूप थोड़ा सा दिखा कर पिसवाने के लिए दिया जाएगा। तो वहीं अभी हम इसको फुला दे रहे हैं। और फुलाने के बाद हम ब्रश कर लिए, मतलब ब्रश करने जा रहे थे, ब्रश भी नहीं किए थे, अभी मॉर्निंग का टाइम था। तो मतलब वो सारा इतना सारा काम करके उसके बाद ब्रश किए, और ब्रश करके उसके बाद आ गए किचन में खाना बनाने के लिए। तो किचन में आ गए और बना रहे थे, आलू था और गोभी था, आलू गोभी का सब्जी बना रहे थे। और मेरे देवर जी तो चले गए थे पढ़ने के लिए, और हस्बैंड जी का था तो वो अपना मटन खाए थे बचा था। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मटन बचा था, तो वहीं हस्बैंड जी खाए थे। और सिर्फ मेरा और दादाजी का और पूजा का सिर्फ थोड़ा सा खाना बनाना था। तो मतलब कि लाइट जो है, आपको पता है कि कल के ब्लॉग में देखा होगा कि लाइट जो है नहीं आया था, कल रात से ही मतलब लाइट नहीं आ रहा है। तो मतलब जो मसाला था उसको मतलब सिलवट पे पीसना पड़ा, कि लाइट जो रहता है तो उसी पे मसाला पीस लेते हैं। कल तो इन्वर्टर पे पीस लिए थे, अब उसका इन्वर्टर भी ख़त्म होने वाला था क्योंकि टीवी भी थोड़ा चल गया था और लाइट जो जलता ही है हमेशा, और मसाला भी पीस लिए थे तो वो भी जवाब दे होने वाला था। और लाइट अभी तक नहीं आया था, कल का ही पूरा लाइट कटा था और अभी तक लाइट नहीं आया है। उसके बाद नाश्ता बनाकर आ गए गेहूँ धोने के लिए, जो गेहूं फुलाए थे उसको धोने के लिए आ गए। मतलब सब्जी वब्जी सब बना दिए हैं, चटनी भी बना दिए टमाटर का, और फिर आ गए गेहूं धोने के लिए। और अभी दादाजी नहा रहे थे तो हम सोचे गेहूं धो लेते हैं, उसे दादाजी नहा लेंगे तो उसके बाद गर्म गर्म रोटी बनाते हैं, तो गर्म गर्म ही सब कुछ खाता है। तो वहीं अभी गेहूं धो रहे थे। मतलब बहुत ही ठंडा पानी था टंकी का। और उसके बाद गेहूं धोकर, ये जो सीधी का छोटा छोटा था पैंट जो रात में मतलब सुसु की थी, लैट्रिन की थी, तो उसको साफ़ करके इसको धो के सरफ में, उसके बाद इसको मतलब धूप में डाल रहे थे। और हस्बैंड ने भी आए थे मेरे मदद करवाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम सारा काम खत्म हो गया है और हम नहा लिए हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं आया है। तो कल रात से ही लाइट कटा हुआ है और अभी तक लाइट नहीं आया है। और ये देखिए, आज दीदी को काजल लगाए थे, कैसी दिख रही है। और जा रहे हैं अब, इसको जा रहे हैं तेल लगाना है और इसका कपड़ा चेंज करना है। तो अभी तो इसको तेल लगा कर आएंगे, तो उसके बाद बनाएंगे खाना। लाइट बिल्कुल भी नहीं आया, हम नीचे नहाए थे कल चला गया, कल के पानी से पूरा टंकी खाली हो गया। और इन्वर्टर भी ट्विंग 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 करने लगा है, लाइट भी जल रहा था तो अब लग रहा है वो भी नहीं जलेगा। अब लाइट भी कल रात से ही कटा है, कल मतलब मटन बना था तो उसका मसाला जो था उसको इन्वर्टर पे पीसे थे, और मोबाइल भी चार्ज लग रहा है और लाइट भी जल रहा है, तो इसीलिए लग रहा है जल्दी खत्म हो गया इन्वर्टर। देखते हैं कब तक लाइट आता है। तो अभी जा रहे हैं चिड़ी को चिल्ली लगानी, चिड़ी को चिल्ली लगानी।
और उसके बाद आगे मतलब शाम हो गया था, तो गेहूं है उसको बटोर रहे हैं, इसको गोला कर रहे हैं ताकि जो मतलब शीत गिरता है रात में तो थोड़ा सा भी जो सूखा है वो भी भीग जाएगा। तो अभी जो हस्बैंड थे उधर बैठे थे, मेरे से बात कर रहे थे, तो वहीं हंस रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे। तो ये तो गेहूं बटोरा गया है, झाड़ू से इसको पूरा बहारना पड़ेगा। ये है भाड़ी का कैमरा। और वो फिर हो गया, शाम हो गया था, तो गेहूं छत पे से बटोर के आए। उसके बाद दादाजी के लिए फिर से चाय बनाने लगे, शाम का टाइम था और दूध आ गया था शाम वाला। अभी हो रहा है मतलब 6 बज रहा था, और एक तरफ दूध बिठा दिए थे, एक तरफ चाय। और फिर ये जो ब्लॉग है ये शनिवार का ब्लॉग है, कल इसको नहीं डाले थे, टाइम नहीं मिला एडिट करने का, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये शनिवार का ब्लॉग है, और शनिवार को तो आप लोग पता है लिट्टी बनता है, लिट्टी चोखा। तो वहीं मतलब प्याज चीर रहे थे लिट्टी बनाने के लिए, और सिद्धि जो थी दादाजी के पास खेल रही थी, और हम इधर लीची बनाने का तैयारी कर रहे थे। ये हरा धनिया, धनिया का पत्ता, और हम छत पे आ गए हैं लेकर सारा सामान कुल। और ये लीची मतलब गोल गोल करके उसमें सातू भर रहे थे, और इधर टमाटर बैंगन और हरा मिर्च ले लिए चोखा बनाने के लिए। और इसके बाद यहाँ से गोईठा निकाल रहे हैं बोरा में से आग जलाने के लिए, गोईठा पे ही लीची बनता है। तो वही गोईठा निकाल रहे हैं, बोरा में रखा हुआ था। और ये जो है इसको मतलब जला के उसके बाद गोईठा रखेंगे तो जलेगा। ये किरासन तेल तो नहीं मिल रहा, मतलब दिन था तभी मतलब हम लीची बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं था, इसीलिए क्योंकि सोचे थे कि लाइट नहीं आएगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मतलब थोड़ा दिन ही था, 5 बज रहा था, तो उसी टाइम मतलब बनाने लगे थे लिट्टी। ये आग जल गया है, अब इसमें गोईठा डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें डाल बैंगन, तो पक गया है बैंगन और टमाटर पक गया था। और इसके बाद लीटी डाल के, ओ हम पूजा सेक रहे हैं लीटी, इधर पूजा साइड में बैठी थी, लिट्टी सेक रहे थे दोनों को ही। और मतलब ठंडा का दिन था तो आग के सामने बैठे थे तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद लिट्टी बन गया, तो हम लिट्टी को एक कपड़ा में लेके इसे झाड़ रहे थे, क्योंकि जो रहता है राख वूख घुस जाता है लिट्टी के अंदर, लिट्टी फटता है, तो इसे कपड़ा में लेकर झाड़ेंगे तो सब निकल जाएगा। इसी को ऐसे ऐसे झाड़ रहे थे, सब निकल गया था इसे कपड़ा में लेने पर निकल जाता है। और जो है ठंडा में लिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मा गर्म। और टमाटर और बैंगन जो था पानी में सब धो धो के नीचे लेकर जाना था इसको। तो पूजा जो है लिट्टी लेकर चली गई थी नीचे, क्योंकि सीधी रो रही थी दादाजी के पास, तो वहीं पूजा चली गई लिट्टी लेकर। और हम बोले कि अब चल जाइए, हम बैंगन मतलब लेकर आते हैं, तो चली गई सीधी को खिलाने के लिए। और हम छत पे अकेले थे अभी, मतलब अकेले हमको छत पे डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा भी हो गया था। और जो सामने जो है पीपल का पेड़, पीपल का जो पेड़ रहता है ना, बहुत ही घना पेड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा हमको डर लगता है उसी से। पीपल का पेड़ नहीं रहता तो डर नहीं लगता। तभी सब लेकर हम जा रहे थे नीचे, और ये देखिए मतलब पूरा कितना अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, हमको डर लग रहा था। नीचे लेके आ गए, चोखा भी बना दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हस्बैंड जी क्या लेकर आए हैं मार्केट से मेरे को खाने के लिए। इसको फाड़ के देखते हैं इसमें क्या है। दो है, और एक यहाँ पे है, एक मेरे लिए है और एक पूजा के लिए है। खा कर आए हैं उधर से, तो जा है देखे। ये अजीब था, समझ में नहीं आ रहा था, इसके पाव रोटी जैसा लग रहा था।
नहीं लगा, बहुत कुछ के अंदर क्रीम होगी। इसके अंदर क्रीम है, एक दो बार खाया तो लगा था कि नहीं है क्रीम, इसके अंदर क्रीम है। ठीक लग रहा है खाने में।